ज्यादा प्रेशर, ठीक है, और अल्लाह ताला ने मुझे सब्र भी बहुत दिया। बड़ी बात, ये मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मैंने अपने इस दौर में मैंने बड़े अप्स एंड डाउन्स भी देखे। बिल्कुल देखे। और मैंने कभी बखुदा मैंने ये नहीं सोचा कि मैं खत्म हो गया। जो मुझे लेने वाले थे वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जावेद शेख खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया, एंड वी डोंट नीड हिम, टेल हिम टू गो बैक टू कराची। एंड आई वॉज द वन जो मैं अपने लाहौर के घर से स्टूडियो में जाता था, तो ये सन 2000 की बात है, 22 साल पहले। तो ये मेरे यानी कि यहाँ टॉप से मैं बिल्कुल यहाँ आ गया था। सो दिस वॉज अ टाइम जब मैं लिफ्ट लेके लोगों से गाड़ी में बिक गई। हीरो के बाद का टाइम। हाँ, हीरो के बाद सर। ओहो सर, ये मैं बता रहा हूँ, वो जो बाद लोग छोड़ जाते हैं ना, वो एंग्जाइटी और फिर गोलियां इस लेवल और के फिर बाद तो इंजेक्शन, तो ये तो फेस करना। सो आई यूज टू गो टू द स्टूडियो और वो मुझे कहते थे कि यार ये क्यों आता है इधर, इसको बोलो कि चला जाए वापस कराची, ये फ्लॉप हो गया। तो मैं अपने कमरे में ऐसे करके बैठा होता था, एक टका जेब में नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस था कि फेल उस दिन होगा जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा। तुम्हारे कहने से जो मेरा रब जो सबको रिस्क देता है वो तुमको भी देता है और मुझे भी देता है, तो तुम्हारे कहने से तो मैं नहीं जाऊंगा बेटा, जिस दिन वो चाहेगा तो मैं चला जाऊंगा। आप यकीन करें, वो मैंने थिएटर किया अमानुल्लाह के साथ, और थिएटर भी किया। थिएटर मैंने किया क्योंकि पैसे नहीं थे, तो भाई थिएटर तो करना था, ठीक है। अमानुल्लाह के साथ थिएटर किया, इन्होंने कहा लो जी भी इसने अपना कॉफिन में आखिरी कील ठोक दिया, थिएटर अब तो फिल्म स्टार, लो फिल्म स्टार जावेद शेख, ये देखो ये कर। तो इज्जो मंतशा वत जिल्लो मंतशा, एक बंदा एंटर होता है महफिल थिएटर में, वो कहता है कि यार मैंने जावेद शेख से मिलना है। वो बंदा मेरे पास लेके आता है कि यार सर ये इसका नाम आजम है, ये कह रहा है मैं बेल्जियम से आया हूँ, मैंने जावेद शेख से मिलना। मैंने कहा ले आओ भाई। आया सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं चारसद्दा में रहता था, मैं चला गया हूँ और मैं अब मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप उसको बना के भेज। कितने की बनती है? मैंने कहा 1 करोड़ की। कह रहा बस 1 करोड़ की? मैंने कहा हाँ। अब उस वक्त बनती थी फिल्म 70-80 लाख, 90 लाख। मेरी आखिरी फिल्म जो थी वो थी यस बॉस, जो मैंने टर्की में बनाई थी और वो फ्लॉप हो गई थी, तो मेरे सारे पैसे डूब गए थे, एज एन एक्टर भी फ्लॉप और ये भी फ्लॉप, ये सारा कुछ ये था। तो जब उसको 1 करोड़ पे कहा तो कह रहा नो प्रॉब्लम। फिर कहने का नहीं यार कोई ऐसी फिल्म बनाओ जो इंडिया की तरह की हो। मैंने कहा सर वो तो 5 करोड़ की बनती है। तो कैसे 5 करोड़ बस? ये बंदा कौन है भाई? आई स्वेयर। और ये उस वक्त की बात है कि जब डॉलर 60 रुपए का था, मुशर्रफ साहब का दौर था, जब ये बंदा कह रहे 5 करोड़ की, तो इट मींस ऑलमोस्ट $1 million। अच्छा, मैंने कहा यार ये मजाक कर रहा है कि किसके पास हिम्मत है, और कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है कि 5 करोड़ की अगर फिल्म बनाएंगे तो वो कमाएगी कहाँ से। एक मल्टीप्लेक्स नहीं था, सारे सिंगल थिएटर थे, 50 रुपए का टिकट। तो सर आपने ये नहीं सोचा कि ये 5 करोड़ में भी ये कह रहा है इसको 10 में को देते हैं? यही तो कमाल था सर। मैंने कहा यही कमाल था। ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात है। उसने मुझे कहा कि मैंने कहा कि मैं एज एन एक्टर इतने पैसे लूंगा, एज ए डायरेक्टर इतने पैसे लूंगा, और 50% का प्रॉफिट में पार्टनर होगा। उसने सारी बातें मानी और उसने 5 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। वाह, और नए बाज भी ढूंढ रही आप। सुनेगा जोर। वाह, और फिल्म कौन सी थी? ये दिल आपका। ओ जबरदस्त, क्या यार, ठीक है सर, वो फिल्म बनी है जबरदस्त। और उसके बाद तो ट्रेंड ही चेंज हुआ, तो बस क्या खूबसूरत फिल्म, अल्लाह। वाह वाह वाह, बड़ा जर्नी सर, बहुत जबरदस्त। आपको तो इंटरप्ट करने का दिल नहीं चाह रहा, वैसे भी आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपको हम वैसे भी नहीं बुजुर्ग तो यार काम नहीं, वैसे काम का यार बुजुर्ग यार नहीं, नहीं, क्या जबरदस्त ये सर, ये बातचीत जो है ना, ये कहानी, मतलब ये सुनने की बात, ये सीखने का अमल, मतलब खूबसूरत। आपने आपकी बातें बड़ी प्यारी। ब्रेक ले लेता हूँ सर।